गोपी गीत श्लोक संख्या 19। यत्ते सुजात चरणं बृहं स्तनेषु भीताशनय प्रियददी महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथते न किं स्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति भवदायुषां नः। यत्ते सुजातचरणां बृहं स्तनेषु भीताशनय प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथते न किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति भवदायुषां नः। यत्ते सुजातचरणां बृहं स्तनेषु भीताशनय प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथते न किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति भवदायुषां नः। गोपियाँ कृष्ण से कहती हैं भवद आयुषां नः, नः मतलब हमारे, और भवद आयुषां मतलब आप हमारे प्राण हो, आप हमारे जीवन के आधार हो, आप ही के संतुष्टि पर, आप ही के खुशी पर हमारा ये जीवन टिका हुआ है और आप ऐसा कर रहे हो। यत्ते सुजात चरणां बृहं स्तनेषु, आपके चरण कितने कोमल हैं, इतने नाजुक हैं कि जब हम अपने हृदय पर भी इनको रखते हैं तो भी हम बहुत सोच रहे होते हैं कि हमारा हृदय तो बहुत कठोर है, इसलिए हमें भय लगता है कि हमारे कठोर हृदय से स्पर्श करने से कहीं आपके इन नाजुक से चरणों पर चोट ना आ जाए, और इसीलिए भीता शनय प्रिय दधी मही कर कशेशु, हम अपने स्तन पर, अपने वक्षस्थल पर भी जब आपके चरणों को रखती हैं तो भी हमें भय लगता है, और आप उन्हीं चरणों से तेना टवी मटसि तद् व्यथते न किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति भी, आप इन चरणों को जो कि इतने नाजुक से हैं, वो इन कंटीले जंगल में जहाँ मार्ग में बहुत सारे कंकर हैं, पत्थर हैं, इन चरणों से आप घूम रहे हैं, हमें इस बात का दुख थोड़े है कि आप हमें नहीं मिले, इस बात का दुख नहीं है कि आप हमें छोड़कर चले गए हो, दुख तो इस बात का है कि आपके चरण कितने कष्ट में हैं, आप कितने कष्ट में हैं, इसलिए हमारे मन इस चिंता से भरे हुए हैं कि कहीं जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कंकड़ों से चोट ना लग जाए, इसलिए कृपा कीजिए, आप बस कीजिए, आप दर्शन देकर हमारे हृदय को आतिथ्य दीजिए, सांत्वना दीजिए कि आप सुरक्षित हैं, आप आनंद से हैं, क्योंकि जब तक आपके आनंद का समाचार नहीं आएगा तब तक हम यूं ही रोती रहेंगी, बिलखती रहेंगी, दुखी रहेंगी, आप तो अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते, इसलिए हमारी भूल को क्षमा कीजिए और सामने प्रकट होइए। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आपने श्रवण किया, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हृदय में थोड़ा सा कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके, कृष्ण के नाम की ओर आकर्षण उत्पन्न हो सके। हरे कृष्ण।